वहीं लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद शनिवार को असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा अयोध्या पहुंचे। यहां उन्होंने सबसे पहले हनुमानगढ़ी में बजरंगबली के दरबार में मत्था टेका। उसके बाद उन्होंने श्री राम जन्मभूमि मंदिर पहुंचकर श्री राम लला के आशीर्वाद लिया। और आपको बता दें कि उनके साथ असम के 11 सांसदों ने भी अयोध्या में विधि विधान से दर्शन पूजन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर असम से आए अतिथियों की सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए गए थे। इसी दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी की हार पर कहा कि देश में 543 सीटें हैं, कहीं हारेंगे तो कहीं जीतेंगे, इसमें कोई इशू नहीं है। अंततः नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। वहीं प्रभु श्री राम का आशीर्वाद मिला है। इससे पहले स्वाधीन भारत में जवाहरलाल नेहरू 3 बार प्रधानमंत्री बने थे। अब नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। वहीं प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से नरेंद्र मोदी 4थी बार भी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे।